बात असल यह है कि पूरे भारत के अंदर जितनी खानकाहें हैं, जितने मसाजिद हैं, जो वक्फ की जायदाद है, ये पूरे के पूरे अहले सुन्नत वल जमात के हैं। और जो स्टेट वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, ये सुन्नी और शिया का है। तो इसमें किस वहाबी किस्म के लोग वहां पर हुकूमत के सांसदों के जरिए से वहां पहुंच जाते और वहां वो लोग उन जगह पर, उन जायदाद पर, उन जमीनों पर कब्जा करके वहां जो खानकाही निजाम है उस निजाम को खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया पूरे तौर पर पूरे भारत के अंदर केंद्र सरकार से और हर राष्ट्रीय सरकार से मांग करती है कि जो भी वक्फ की जायदाद है, इस वक्फ की जायदाद में अहले सुन्नत वल जमात के नुमाइंदों को रखा जाए, चेयरमैन हो या डायरेक्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मेंबर हो। जो अहले सुन्नत वल जमात के खानकाहों की जमीनात है, जो आशुरखानों की जमीनात है, इन जमीनों पर जो भी आमदनी हो वो मुसलमानों के गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, शादी के लिए, उन तमाम जो गरीब बच्चों के मसाइल है वो हल करने के लिए ये जायदाद, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट के बाद दूसरे दर्जे पे जो है वो वक्फ की जायदाद है। ये पूरी की पूरी वक्फ की जायदाद अगर अमल में आ जाए, बेहतरीन तौर पर वहां प्रोजेक्ट अगर बनाया जाए तो इससे गरीबों के भला हो सकता है, गरीब मुसलमानों को रोजगारी मिल सकती है, गरीब बच्चों की शादियों के लिए मसला हल हो सकता है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया जो है पूरे तौर पर हर राष्ट्र में केंद्र सरकार पर यह जोर लगाएगा कि वक्फ की जायदाद की हिफाजत हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से आंध्र प्रदेश में पूरे तौर पर जद्दोजहद करके आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब ने एक बेहतरीन कानून पास किया कि वक्फ की जायदाद की जितनी पुरानी भी जायदाद हो, किसी के भी कब्जे में हो, वो फौरन छुड़ा दिया जाएगा और जो खानकाह है, जो वक्फ की जायदाद है, उस वक्फ की जायदाद की तहफ्फुज़ होगी और उससे मुसलमानों की भलाई होगी।